नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान योजना का बढ़ सकता है पैसा, जानिए क्या है सरकार की तैयारी। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सारी योजना चलाई जाती है। साल 2019 में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई, तब से लेकर अब तक किसानों को सालाना 6,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाता है। चार महीनों के अंतराल पर 2,000 रुपए की 3 किस्तों में योजना की राशि सीधे किसानों खातों में क्रेडिट होती है। सरकार द्वारा अब तक इस योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ दिया जा चुका है। तो वही अब किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है, योजना मिलने वाली राशि 6,000 राशि में अब इजाफा हो सकता है, यानी योजना में मिलने वाली 6,000 की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये किए जाने पर विचार चल रहा है। किसानों को अब मिलेंगे 8,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुड़े हुए किसानों को सरकार की ओर से सालाना 6,000 आर्थिक लाभ के तौर पर दिए जाते हैं। हाल में ही किसानों को योजना 17वीं किस्त जारी की गई है, लगभग 9 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। तो वही अब किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि योजना में मिलने वाली 6,000 की रकम अब 8,000 रुपये हो सकती है। दरअसल खबरें आ रही है कि आगामी बजट में सरकार किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए इसका ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होगा तो सरकारी खजाने में 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। बता दें, काफी समय से योजना की राशि को 8,000 रुपये करने के बारे में मांग उठाई जा रही है। हालांकि बजट में ही यह साफ हो पाएगा कि सरकार पैसे बढ़ाएगी या नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बिजला सरवान ने अन्नदाता उद्यान संकल्प के तहत योजना में 2,000 रुपये की राज्य सरकार की ओर से बढ़ोतरी की थी। अगर केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना राशि 8,000 देती है तो राजस्थान के किसानों को सालाना 10,000 रुपये मिलेंगे। शिवराज की राह पर सिंधे सरकार, राज्य में हो सकती है लाडली बहना जैसी योजना की शुरुआत। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव के पहले महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र सरकार नई योजना पर काम कर रही है। सिंधे सरकार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है। इस बजट में मध्य प्रदेश की लाडली बहना जैसी योजनाओं का ऐलान हो सकता है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु की गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने का विचार महाराष्ट्र सरकार कर रही है। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र, गुरुवार से महाराष्ट्र का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। साथ ही 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए इस बड़ी योजना का ऐलान सरकार कर सकती है। हाल में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के पीछे लाडली बहना योजना की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। इसलिए अब सिंधे सरकार को भी लग रहा है कि लाडली बहना जैसी योजना महाराष्ट्र में भी शुरू की जाए, ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण के प्रयास को और भी बल मिल सके। वही मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना की 14वीं किस्त को लेकर नई अपडेट है। लाडली बहना योजना के तहत आने वाली 14वीं किस्त अब जल्दी खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हाल में ही मध्य प्रदेश के 1,29,00,000 बहनों खातों में 5 जून को 13वीं किस्त जारी की थी। अब 14वीं किस्त का इंतजार कर रही बहनों के लिए बड़ी खबर है। 10 जुलाई को ये राशि बहनों के खातों में आ जाएगी। विधानसभा में 3 जुलाई को पेश होगा बजट, कोई नया कर नहीं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट की तारीख तय हो गई। विधानसभा में 3 जुलाई को बजट पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। यहां डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला बजट होगा। बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट अनुमान 3,48,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें लेखा अनुदान के 1,45,000 करोड़ रुपये भी शामिल होंगे। मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। सत्र में कुल 14 बैठकें होगी। सत्र के दौरान 5 दिन अवकाश रहेगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए अभी तक की सूचना के आधार पर विधेयक पेश करने और प्रश्नोत्तर काल के समय की सूची विधायकों के लिए जारी कर दी गई है। इससे पहले सरकार ने लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में विधानसभा में 4 महीने का अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक के लिए सरकार के खर्च के लिए राशि का प्रावधान किया गया था। पहली बार 88,540 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार, पिछले साल से 1.5 गुना ज़्यादा। आपको बता दें, फ्री बीज के कारण मध्य प्रदेश पर खर्चे भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार को इतिहास में अब तक का सबसे भारी भरकम 88,540 करोड़ रुपये का कर्ज लेना होगा। इससे 73,540 करोड़ रुपये बाजार और 15,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से लेने की योजना है। इसके बाद ही लाडली बहना जैसी फ्लैगशिप योजना चल पाई। खास बात है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 55,708 करोड़ रुपये कर्ज लेना पड़ा था, यानी सरकार इस बार 38% ज़्यादा कर्ज लेगी। हालांकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का स्पष्ट कहना है कि कर्ज विकास कार्यों के लिए लिया जाता है, जिसका भुगतान भी समय से किया जाता है। लेकिन चिंता यह भी है कि इस साल बजट अनुमान 3,50,000 करोड़ रुपये है। फ्लैगशिप योजनाओं को चलाने के लिए सरकार ने यदि 88,000 करोड़ रुपये कर्ज लिया तो कुल कर्ज पहली बार 4,00,000 करोड़ रुपये के पार हो जाएगा। यह कारण, लाडली बहना जैसी योजनाओं के लिए हर साल 25,000 करोड़ रुपये चाहिए। लाडली बहना योजना में हर साल 18,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने में 5,500 करोड़ रुपये, कृषि पंपों पर सब्सिडी पर 17,000 करोड़ रुपये और 450 रुपये में सिलेंडर देने की योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये चाहिए। फ्री बीज मुक्त योजनाओं का खर्चा हर साल 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इसमें लाडली बहना का 12वीं किस्त भुगतान में 16,000 करोड़ रुपये पार कर गया।
केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजनाओं के भूमि पूजन की तारीख जल्द होगी थी। आपको बता दे मुख्यमंत्री विक्रम मोहन यादव ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पटेल, राज्य मंत्री बी सुमन्ना और राजभूषण चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान दो बड़े प्रोजेक्ट केन बेतवा लिंक परियोजना एवं पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के संबंध में चर्चा हुई। सीएम ने मीडिया में से चर्चा में कहा कि इन प्रोजेक्ट पर सीएम की विशेष रुचि है। केन बेतवा लिंक परियोजना के टेंडर की स्थिति में है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड के 10-15 जिलों को बहुत लाभ मिलेगा। यह हमारा ज्यादा पानी की दरकार वाला क्षेत्र है। इससे सरकार गंभीरता से आगे बढ़ी है। बहुत जल्द इसके नतीजे मिलेंगे। सीएम ने कहा प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का निमंत्रण दिया। उन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। आने वाले 1-2 महीने में तारीख तय कर भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश का एक और प्रोजेक्ट जो पश्चिम मध्य प्रदेश के लिए बहुत काम है, जिसमें राजस्थान के साथ हमारा समझौता हुआ है, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय में प्रस्ताव है। कॉलेजों में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू, प्रोत्साहन राशि के साथ मिलेगी छात्रवृत्ति। आपको बता दें उच्च व शिक्षा विभाग में प्रदेश के 1315 निजी और सरकारी कॉलेजों का आगामी सत्र 2024-25 में प्रवेश कराना शुरू कर दिया है। इसमें लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लागू किया गया है। इसमें छात्राओं को 3 साल की डिग्री पूर्ण करने के दौरान 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। छात्रा अपने वर्ग की स्कॉलरशिप भी ले सकेगी। कॉलेज में प्रवेश लेते समय 2 प्रकार से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को दिया जाएगा जिनके माता पिता की 2 संतानी हो, उनके माता पिता ने परिवार नियोजन कराया हो। इसके अलावा छात्रा के माता पिता आयकर की श्रेणी में न आते हो, वे आयकरदाता नहीं होना चाहिए। छात्राओं को 3 साल की डिग्री के दौरान 2 किस्तों में प्रोत्साहन राशि अदा की जाएगी। पहली किस्त प्रथम वर्ष और दूसरी किस्त अंतिम वर्ष के अध्ययन के दौरान दी जाएगी। 9 लाख परिवारों को अब घर बैठे मिलेगा राशन। आपको बता दें राजस्थान की भुजला सरकार अगले महीने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कुछ चयनित परिवारों को घर बैठे राशन उपलब्ध कराएगी। सरकार ने अपने पहले बजट में इसको लेकर घोषणा की थी, जिसकी पालना में ये शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत उन परिवारों को घर बैठे राशन उपलब्ध करवाया जाएगा जिनके परिवारों में 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन या विशेष योग्यजन है। खाद्य विभाग के उपायुक्त आशीष वर्मा ने बताया कि हमने सभी संबंधित जिला रसद अधिकारियों को जुलाई से वितरित होने वाले राशन को चिन्हित परिवारों को वितरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 3 श्रेणियों में 9 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। गेहूं की डिलीवरी बैग में की जाएगी। इसके लिए राशन डीलर्स को अलग से मानदेय मिलेगा। सोना 230 रुपये गिरकर 72,000 रुपये पर आया। चांदी में भी 1,000 रुपये की गिरावट। आपको बता दें सोने चांदी कीमतों में आज यानी 26 जून को गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने 230 रुपये गिरकर 72,000 रुपये पर आ गया है। कल इसके दाम 72,230 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 1,000 रुपये गिरकर 90,000 रुपये में बिक रही। हालांकि इस साल अब तक सोने के दाम 8,130 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में ये 63,870 रुपये पर था। वही चांदी साल की शुरुआत में 72,160 रुपये प्रति किलो पर थी। यानी चांदी इस साल 17,840 रुपये बढ़ चुकी है। भोपाल इंदौर समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। आपको बता दें मध्य प्रदेश में बुधवार रात भोपाल और विदिशा के गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। 1 घंटे के मूसलाधार बारिश में विदिशा में कई इलाकों में पानी भर गया। बिजली गिरने से यहां एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि एक युवक झुलस गया। गुरुवार को भी 6 जिलों में आंधी चलेगी और बारिश होगी। इनमें भोपाल, गुना, अशोकनगर, विदिशा और नर्मदापुरम जिले शामिल है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला रहेगा। यहां आंधी और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। ऐसा वेस्ट डेट्रोवेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।